वैसे तो ऐसे ही पता लग जाएगा यार। ये देखें, ये देखें यार, इसमें से इसमें ना मतलब कुछ भी नहीं है। असल में लाइट पड़ी है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अंडा बिल्कुल खाली यार, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं। क्योंकि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार गर्मी शर्मी भाई, पानी छानी लगा दिया है, डक का जो पानी है ना वो हमने यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे आते सारी आज भाई सबसे पहले किया है सफाई। अभी देखें कितने मज़े से यहाँ लेटे पड़े हैं, सफाई की है, और उसके बाद आज ज़रा आपको ना यहाँ पे ज़रा रोशनी रोशनी महसूस हो रही है। वो पता क्यों? आज यार पौधे की ना हल्की कटिंग की है, क्योंकि ऐसे अंधेरा हुआ रहता था यार। सबसे पहले आज खोलें डक्की को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो इधर आ जाओ। दाना ही नहीं आया, यहाँ पे डाल देते हैं, दाना खा लें और इधर से पानी पिए। और इन्हें पता क्या करना है? इन्हें बंद करना है, इन्हें बंद करने के बाद फिर अगला काम करना है, वरना भाई ये कोई काम कर नहीं देखें। और यहाँ पे दिखाऊँ आज, ये देखें भाई कितने बड़ी टॉर्च लेके आए हूँ। इसका पता क्या करना है? आज इनके अंडे चेक करने हैं। एक तो हमें पता है कि यार 100% फर्टाइल है, दूसरे को चेक करना है अगर वो फर्टाइल हुआ असील का, इस तो रखेंगे वरना यार पैर को उठा देंगे। अभी यहाँ पे जो धूप छुप है ना वो भाई आ रही है, केस के अंदर तक धूप जा रही है, तो ये तरपाल इसे नीचे करते हैं, और उसके बाद जो हमारी अंदर डब वगैरह ने अंडे बच्चे दिए हैं ना वो देखते हैं। सबसे पहले इसे नीचे कर दें। अभी जो है यार तरपाल वगैरह हमारी नीचे हो गई, और हवा भी चल रही है, और यहाँ पे हमारी डक शक जो है ना पानी पी लें, दाना खा लें, इनके बाद उन्हें खोलेंगे। तो यार आज आपने बताना है कि वीडियो में भाई आपको कोई फ़र्क महसूस हुआ? मुझे तो काफ़ी रोशनी लग रही है यार, वरना यहाँ पे पहले अंधेरा अंधेरा रहता था। तो अभी जो है ना मास्टर केज में जा के मास्टर केज का हाल ले लें, यहाँ पर भाई क्या सीन है। सबसे पहले यार हम चला दें अपना पंखा, पंखा यार चलने लग पड़ा है। तो यार सबसे पहले देखना है हमने इसको, क्योंकि इसका अगर लेक बचा निकला हुआ था ना, तो देखना है कि दूसरे का क्या बना। ये देखें यार कल वाला बच्चा तो माशाल्लाह, कल देखा था कितना छोटा सा था, बिल्कुल हाथ में भी नहीं आ रहा था, और आज पता नहीं दूसरा निकला या नहीं निकला। नहीं यार दूसरा बच्चा जो है ना अभी वो नहीं निकला। ये अंडे है, असल में यार जिस तरह का मौसम है ना ये भी लगता है कि ये डेड इनशेल ना हो जाए, तो इसको यार भी देखते हैं। खैर इसको यार देखते हैं अभी, खैर इसका जो भी हुआ, और जो कल वाला बेबी था ना वो ये है भाई माशाल्लाह। ये देखें कल से मतलब काफ़ी बड़ा हो गया यार। अभी यार मतलब इसका तो भी एक बच्चा निकला है, तो इसे फ़िलहाल हम यहाँ पे रख देते हैं, और उसके बाद भाई हमारी ये डब थी, इसने मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसने भी जो दो अंडे हैं ना वो दे दिए होंगे, तो इसको खैर अभी नहीं तंग करते। और तीसरा वगैरह हमारा वो है यहाँ पे, ये देख माशाल्लाह, जो देखें फीड करवा रहे हैं, कोई बच्चा निकल आया इसका यार। अभी इसका एक बच्चा वो देखें नज़र आ रहा है आपको यार, वो देखें भाई माशाल्लाह। तो यार हमारी इस डब का भी बच्चा निकल आया, और जो जे वाली डब है हमारी इसका यार अभी एक बच्चा निकला है, तो इंशाल्लाह दूसरा दुआ करने के वो निकला है। फिलहाल एक तो यार आ गया, अच्छी बात है। तो मुर्गियों को भी खोल देते हैं, फिलहाल मुर्गियों ने भी आज अंडे दिए हुए हैं, और अभी जो है ना हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारी जो ये देसी मुर्गी है ये अंडे दे रही है कि नहीं दे रही। वो देखें वही जो काम होता है भाई वो काम शुरू हो गया, और यहाँ पर डक्की के मेल ने तंग करना शुरू कर दिया यार। यार ये डक्की इतना मारता है फिर भी देखें मतलब पता नहीं इसे क्या मिलता है। वो देखें अभी सब मुर्गियों को आगे लगा देगा, और बस फिर खुद मज़े। वो देखें खुद भी साइड पे हो गया, अब उन्हें भी साइड पे कर दिया। यार डक्की का तो पानी उधर है आपको पता है, लेकिन जो मुर्गी है ना भाई उन्होंने ये वाला पानी पीना है। वैसे तो मट्टी वाला पानी वो भी पी लेती हैं, लेकिन ये पानी पी ले तो अच्छा है। इधर नहीं आना, इधर नहीं आना, चलो उधर। तो यार अभी जो है ना हमारा आज का जो मेन काम है वो था भाई ये लाइट का, तो पहले यार ये चेक कर लें। चलो आ जाओ बाहर आ जाओ, जाओ मार खाओ जाके डक्की से। चलो 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 चलो, तो अभी जो है ना इसको चला के हम रख देते हैं यहाँ पे। वैसे तो ऐसे ही पता लग जाएगा यार, ये देखें बहुत डर लग रहा है ना सील वाला, ये तो कबूतर वाला ना ये तो 100% अनफर्टाइल है, ये वाला ये भी अनफर्टाइल है। एक मिनट यार,
ये देखें आप, इसमें ना मतलब कुछ भी नहीं है। असल में लाइट पड़ी है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अंडा बिल्कुल खाली है यार, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं, क्योंकि ये अंडा अनफर्टाइल है। ये वाला अंडा है, ये सील का, और भाई ये भी खाली है यार, यार ये वाला अंडा भी खाली है, ये भी अनफर्टाइल है, दूसरा अंडा भी अनफर्टाइल है, मतलब ये दोनों अंडे जो अनफर्टाइल हैं। और भाई यहाँ पर हमारे कबूतरे ऐसे बैठ के टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इन दोनों अंडों को आज उठा के ना यार फेंक देना, और कबूतरों को फिर फ्री कर देते हैं, यही होगा। अब ये मतलब दोनों अंडे अनफर्टाइल हैं, कबूतर का हमें मेल नहीं मिल रहा, मतलब यार क्या है यार, समझ ही कुछ नहीं आ रही, क्या हो गया रहा है हमारे साथ भाई। सिर्फ ये शुक्र है कि जो हमारे ये वाले कबूतर हैं ना भाई, ये कोई हम पे मेहरबानी कर रहे हैं, माशाल्लाह बच्चे भी निकाल लिए, खोल देते हैं इन्हें, नन का बच्चा माशाल्लाह इतनी स्पीड से बड़ा हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें अभी कैसे माशाल्लाह लगे पड़े हैं, इन्हें यार इनका दाना डालना है, लेकिन वो बाद में डाल दें, क्योंकि वरना जो डक्की है ना ये खा जाएगी। अब यार मुर्गियों को बंद करना पड़ा, और डक्की खा ली, डक्की को फ़ौरन बंद कर देंगे, फिर कबूतर दाना खाएँगे और फिर उन्हें खोलेंगे, मतलब फिर दाना खा ले उसके बाद सबको दोबारा खोल देंगे, फिर दोबारा सारे यहाँ पर लड़ें जो मर्ज़ी करें। एक तो ये समझ नहीं आती है भाई, बाल्टी बंद है और हमारे दाने में कीड़ियाँ कहाँ से आ जाती हैं यार। ये देखें दाना यार, खाना तो कबूतर नहीं है, लेकिन जब मैं दाना डाल रहा होता हूँ ना, तो भाई याद ही ज़्यादा मेरे ऊपर चढ़ जाती है। चलो ये खाओ ये खाओ, इसको भाई मस्तियाँ आ रही हैं, हमारा जो इंग्लिश नन का मेल है ना, इसने भाई उड़ना शुरू कर दिया। तो अभी यार दाना ये खाएँ, इनका साफ पानी भी यहाँ पर रख दिया, डक्की को यार बंद किया है कुछ टाइम के लिए, और डक्की से पूछते हैं, डक्की तुम अंडा क्यों नहीं दे रही, दो दिन हो गए हैं, अंडा क्यों नहीं दे रही डक्की। डक्की यार नाराज़ हुई पड़ी है, पता नहीं डक्की अंडा क्यों नहीं दे रही, अभी इन्हें खोल देंगे हम, मुर्गी को भी मैंने बंद किया फ़िलहाल, दाना शाना ये खा लेना, तो फिर इन्हें सबको इकट्ठा खोल देंगे, फिर इन यहाँ पे जो मर्ज़ी करें चलते फिरते रहें, बस फिर इन्हीं का टाइम है और जो मर्ज़ी करें भाई। अब बारी आ गई भाई चूज़ों की, पता कैसे, कबूतर देखे दाना शाना खा लिया है और वो जाकर अंदर बैठ गए, तो अभी कबूतर ने दाना खा लिया आराम के साथ, के हमने मुर्गियों को और डक्स को बंद कर दिया था इसलिए दाना खाया, वरना यार इन्हें दाना खाया नहीं जाना था, और इनके जो है ना भाई बहुत ठंडी लगानी थी डक्स के मेल ने, तो अभी इन्हें खोल दिया, ये भी दाना खा लें, तो इनको फिर दाना हम अंदर रखते हैं, पानी अंदर रखते हैं, तो इनका हम इतना मसला नहीं है यार, वो देखें वो वैसे ही चलेगा, उन्हें पता है कि दाना वो बाहर कम ही खाते हैं। तो अभी जो है ना हम दोबारा अपनी मुर्गियों को खोल देते हैं, आ जाओ भाई अभी करो जो करना है, डक्की तुम भी आ जाओ, तुमने जितना शोर किया हुआ ना, आ जाओ बाहर आ जाओ। तो अभी यार वो देखें सारे बाहर आ गए, कबूतर भी आ गए हमारे, और यहाँ पे चूजे फिर उधर जा रहे हैं, डक भी आ गई, मुर्गियाँ भी आ गई, तो कबूतर भी आ गए। जी तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।